आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा, 15 श्रद्धालुओं की मौत, 40 लापता, मृतकों में 11 महिलाएं शामिल, यात्रा स्थगित। पवित्र अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम बादल फटने से 11 महिलाओं सहित 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, करीब 40 लोग लापता हैं। बादल फटने के बाद पहाड़ से आया सैलाब गुफा के सामने करीब 300 मीटर दूर श्रद्धालुओं के बीच बनाए गए यात्री शिविर के बीचों बीच से निकला। सैलाब अपने साथ 3 लंगरों समेत 40 टेंट बहा ले गया। हादसे के समय गुफा के पास करीब 5000 लोग मौजूद थे। यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या। जापान के सबसे ताकतवर व प्रभावशाली नेताओं में से एक पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की शुक्रवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमला तेसुआ यामागामी को मौके पर ही पकड़ लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म विभूषण से सम्मानित आबे के निधन पर दुख जताते हुए भारत में एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। रामनगर में कार वही 9 की मौत। पंजाब, दिल्ली और नोएडा के पर्यटकों की कार शुक्रवार सुबह ढेया नदी के तेज बहाव में बह गई। हादसे में 6 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई। नैनीताल जिले के रामनगर से 12 किलोमीटर दूर ढेला गांव स्थित कॉर्बेट स्मॉल टाउन होटल एंड रिजॉर्ट में बृहस्पतिवार शाम 4 बजे 8 पर्यटक आए थे। शुक्रवार सुबह 5 बजे चेकआउट कराने के बाद 2 स्थानीय महिलाओं के साथ वो आर्टिका कार से लौट रहे थे। जब वे ढेला नदी के रफ्टे पर पहुंचे तो पहाड़ों पर हुई बारिश के चलते रफ्टे में पानी का बहाव तेज था। उनसे आगे चल रही इनोवा रफ्टे को पार कर गई। यह देख पर्यटकों ने भी अपनी कार रफ्टे में डाल दी। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वे नहीं माने। थोड़ी दूर जाकर कार तेज बहाव में पलटकर बह गई। इस बीच शीशा टूटने से एक महिला कार से छिटक कर बाहर निकल गई, जबकि बाकी सभी कार में फंस गए। ग्रामीणों की सूचना पर अग्निशमन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक सभी की मौत हो चुकी थी। उधर बाजपुर में हादसे में 3 किशोरों की मौत। कंबाइन की चपेट में आकर बाइक सवार 3 किशोरों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार शुक्रवार को राजू पुत्र मलकीत सिंह निवासी गांव थापला नगला अमनदीप सिंह बलदेव सिंह बाइक से बिना हेलमेट पहने जा रहे थे। गांव की लिंक रोड पर कंबाइन से उनकी बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे 3 किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। राजू और अमनदीप ने सीएससी में और बलदेव ने हायर सेंटर जाते वक्त दम तोड़ दिया। 2 बैंक अफसर मोबाइल नंबर बदल कर गबन में गिरफ्तार। तो ग्राहक के बैंक खाते में पंजीकृत मोबाइल नंबर बदलकर लाखों रुपए निकालने के आरोपी 2 बैंक अफसरों को साइबर थाना पुलिस ने एसटीएफ की मदद से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में एक सेंट्रल बैंक देहरादून और दूसरा दिल्ली की बदरपुर शाखा का अफसर है। उत्तराखंड में अटल आदर्श स्कूल तबादला मुक्त। सरकार ने अटल उत्कृष्ट स्कूलों को तबादला मुक्त कर दिया है। ओजोन परत में मिला नया छेद। तो कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ओजोन परत में एक नया छेद मिला है, जिससे कई बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है। उत्तराखंड के 100 अस्पतालों में ऑनलाइन उपचार होगा। उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों के मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श के लिए दून, हल्द्वानी और श्रीनगर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उत्तराखंड के दून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में टेली मेडिसन सेवा शुरू होने जा रही है। दून मेडिकल कॉलेज में 25 जुलाई से यह सेवा शुरू होगी। जल संकट घटा, टैंकर घपला बढ़ा। तो पानी की किल्लत की आड़ में टैंकरों से सप्लाई के नाम पर बड़ा गोलमाल हो रहा है। प्रदेश में 12 जुलाई से लागू होगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पहला चरण 12 जुलाई को लागू होने जा रहा है। राज्य के करीब 5000 आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी के रूप में बाल वाटिकाएँ शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका उद्घाटन करेंगे।
1591 एलटी शिक्षकों का तबादला करेगा विभाग। तो शिक्षा विभाग में एलटी कैडर में तबादलों पर तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो गई है। वर्तमान में मौजूद रिक्त पद और 15% के मानक के अनुसार 1591 शिक्षकों के तबादले हो सकते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं किस से, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। 21 से 29 जुलाई तक परीक्षाएं होंगी। वैज्ञानिकों के 25 पदों के लिए आवेदन मांगे, तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड ऑप्टिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर आदि के 25 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। वहीं सुरक्षा गार्ड की भर्ती 11 जुलाई से होगी। तो पौड़ी के सभी ब्लॉकों में 11 से 19 जुलाई तक सुरक्षा गार्ड की भर्ती होगी। दून में झमाझम बारिश से सड़कें पानी पानी, तो दून के विभिन्न इलाकों में शुक्रवार को तेज बारिश के बाद जल भरा हुआ। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कें जलमग्न हो गई। बारिश का पानी नाले नालियों की बजाय सड़कों पर बहता नजर आया। सड़कों में गड्ढे पानी के भरने के कारण लोगों के लिए आफत बन गए। पौड़ी और नैनीताल जिले में आज भारी से भारी बारिश, रेड अलर्ट। तो पौड़ी और नैनीताल में शनिवार को यानी आज अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दून, टिहरी, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में भी बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि नदियां नालों के किनारे बसे लोगों के साथ ही भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सावधान रहने की ज़रूरत है। लद्दाख में तनाव वाले क्षेत्र से गुजरा चीनी लड़ाकू विमान, उकसावे की कार्रवाई वायुसेना ने वापस खदेड़ा। प्रदेश में 24 घंटे में 47 कोरोना संक्रमित, 18 हुए ठीक। तो प्रदेश में 10 दिन के बाद एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। 24 घंटे में 47 नए संकेत मिले, जबकि 18 मरीज ठीक हुए हैं। उत्तराखंड में स्वाइन फीवर की दस्तक, 192 सुअरों की मौत। तो उत्तराखंड में स्वाइन फीवर ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के पौड़ी और देहरादून जिले में अब तक 192 सुअरों की मौत हो चुकी है। डेंगू सचिव स्वास्थ्य ने विभाग को किया अलर्ट। तो प्रदेश में डेंगू की रोकथाम व बचाव के लिए सचिव स्वास्थ्य राधिका झा ने विभाग को अलर्ट किया है। सहायक कुल सचिव के 15 पदों पर आयोग ने निकाली भर्ती। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग में सहायक कुल सचिव के 15 पदों पर भर्ती निकाली है। आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक कुल सचिव के 13 और संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत 2 पदों पर भर्ती निकाली गई। उन्होंने बताया कि सभी पदों के लिए 28 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। छात्रों के साथ कॉलेज भी कर रहे सीबीएसई रिजल्ट का इंतजार। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे छात्रों के साथ कॉलेजों को भी परीक्षा परिणाम का इंतजार है। इसका कारण यह है कि बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी होने के बाद ही कॉलेजों में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में 445 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ESIC में रिक्त पद, तो 28 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पावर ग्रिड में मौके, तो 1151 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 23 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। नशीला शीतल पेप मिलाकर महिला के से सामूहिक दुष्कर्म, तो देहरादून से खबर आई है। रायपुर क्षेत्र में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला के पति के 3 दोस्तों ने कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर कार में उसके साथ दुष्कर्म किया और जहर पिलाकर मारने की भी कोशिश की। यही नहीं, महिला ने पति पर भी दूसरी पत्नी रहते हुए धोखे से शादी रचाने और दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दिया है। मसूरी में दूसरे दिन भी गर्जा बुलडोजर, तो शहर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर दूसरे दिन भी गर्जा। इस दौरान 5 स्थानों पर अवैध अतिक्रमण को हटाते हुए कई नए अवैध अतिक्रमण को चिन्हित भी किया गया।
दून स्मार्ट सिटी में किराए पर मिलेगी इलेक्ट्रिक साइकिल। तो देश के कोने कोने से दून पहुंचने वाले पर्यटकों के साथ ही स्थानीय शहरियों को इलेक्ट्रिक बसों के साथ ही अब इलेक्ट्रिक साइकिलों की भी सुविधा मिलेगी। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत राजधानी की सड़कों पर पब्लिक इलेक्ट्रिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम परियोजना को धरातल पर उतारने की तैयारी है। 100 सीएससी पीएससी के मरीजों को मिलेगी टेलीमेडिसिन की सुविधा। सेंट्रल बैंक के दो अफसर गिरफ्तार, एसएमएस अलर्ट नंबर बदलकर 12 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगा है। देहरादून के तनुज पिथौरागढ़ की मुस्कान का पंच पड़ा भारी, तो बेताल घाट में राज्य स्तरीय जूनियर बालक बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता शुरू हो गई है। महंगाई के विरोध में फूका पुतला, तो कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कोरोनेशन में भर्ती महिला को कोरोना आईसीयू बंद, तो दून अस्पताल में गंभीर मरीजों के लिए 9 बेड का आईसीयू वार्ड आरक्षित है। इलाज संग खाने और रहने की भी मिलेगी जानकारी, तो दून अस्पताल में अब जल्द खुलेगा लाइफ स्टाइल क्लिनिक। चकराता आने वाले पर्यटक वाहनों को देना होगा शुल्क, तो छावनी परिषद की बैठक में चकराता आने वाले पर्यटक व कॉमर्शियल वाहनों पर शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया है। बाजार क्षेत्र में होने वाली बेतरतीब पार्किंग पर अंकुश लगाने व छावनी क्षेत्र में होने वाले पार्किंग पर शुल्क लगाने का भी फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों को मिले 70 घर। गलियों में लगा रहे बकरों की फेरी, तो ईद उल अजहा को एक दिन शेष बचे हैं, इसके लिए मुस्लिम समाज जहां तैयारियों में जुटा है वहीं बकरों की बिक्री के लिए लोग गलियों में फेरी लगाते नजर आए। इस बार जानवरों की कम आवक होने से कीमतों में वृद्धि ज़्यादा है। माँ डाटकाली मंदिर में वार्षिकोत्सव में उमड़े श्रद्धालु। दून मेडिकल कॉलेज से जुड़ेंगे 100 स्वास्थ्य केंद्र। प्रदेश में डेंगू को लेकर के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में तेजी से हो रहा कोरोना वायरस का प्रसार, तो दून में कोरोना का प्रसार तेजी से हो रहा है। हर दिन जिले में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ पर कार्रवाई, तो निजी स्कूल और कॉलेजों ने बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ की कसम खा रखी है। गर्मियों की छुट्टी के बाद निजी शैक्षिक संस्थान खुले जरूर, लेकिन अधिकांश ने अपने वाहनों के न टैक्स जमा कराए, न फिटनेस कराई और न परमिट नवीनीकरण करवाया। वही खबर है, चकराता से एम्बुलेंस खराब होने से 3 घंटे तड़पती रही गर्भवती। बकरीद की तैयारियां शुरू, सजी बकरों की मंडी। ग्राहकों से धोखाधड़ी में 2 बैंक अधिकारी धरे गए। नाम बदलकर की दोस्ती, मसूरी ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास, तो एक युवक ने नाम बदलकर युवती से दोस्ती की, इसके बाद आरोपी उसे घुमाने के बहाने मसूरी ले गया और वहां दुष्कर्म करने का प्रयास किया। युवती को जब आरोपी की असली पहचान के बारे में पता चला तो उसने रायपुर थाने में इसकी शिकायत की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। किसी और की जमीन दिखाकर 5 लाख रुपए हड़पे, तो प्रेमनगर का मामला। तो प्रेमनगर में किसी और की जमीन दिखाकर 2 आरोपियों ने एक व्यक्ति से 5.25 लाख रुपए हड़प लिए। खेलों के विकास को हर 3 माह में होगी समीक्षा, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों व खेल से जुड़े व्यक्तियों से संवाद कर उन्हें सम्मानित किया। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेला 12 जुलाई को, तो क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय की ओर से 12 जुलाई को आयोजित होने वाली रोजगार मेले में 15 निजी कंपनियाँ युवाओं को रोजगार में अवसर देंगी। दून ग्रुप ऑफ कॉलेज के 12 छात्राओं को गोल्ड मेडल मिला। कांवड़ यात्रा को जिला स्तरीय अफसर बनाए नोडल अधिकारी। औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित हुए प्रदेश की पहली ड्रोन फैक्ट्री, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की स्थित रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में रोटर ग्रुप ऑफ कंपनीज की ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया। अग्निवीरों की भर्ती, उत्तराखंड
के लिए अवसर। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शुक्रवार को राजभवन में सेना के जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिसर मैनेजर जनरल NS राजपुरोहित ने मुलाकात की। उन्होंने अग्निपथ योजना के अंतर्गत अगस्त एवं सितंबर माह में उत्तराखंड में होने वाली भर्तियों के संबंध में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए यह भर्ती रैली एक अवसर रहेगी। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज से कराएं आरोपों की जांच। तो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आक्रामक रुख के साथ सामने आए। उन्होंने तमाम शिकायतों को निराधार और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर निशाना साधा। साथ ही हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से उन पर लगे आरोपों की जाँच कराने की मांग की। कोटद्वार को मिली एक और पैसेंजर ट्रेन की सौगात। तो कोटद्वार क्षेत्र की जनता को रेल महकमे ने एक पैसेंजर ट्रेन की सौगात दी है। 6 वर्षों से बंद पड़ी दोपहर के समय संचालित होने वाली कोटद्वार नजियाबाद पैसेंजर ट्रेन को रेल महकमे ने पुनः शुरू कर दिया है। उत्तरकाशी को महामारी से बचाने को अनशन जारी। तो तांबा खाड़ी के पास लगे कूड़े के ढेर को हटाने और उत्तरकाशी नगर को महामारी से बचाने की मांग को लेकर के हनुमान चौक स्थित सिरदेव सुमन स्मृति स्थल पर 1 जुलाई से बेमियादी अनशन शुक्रवार को भी जारी रहा। वही खबर है, ये नैनबाग से सुआ खोली अलमस मोटर मार्ग पर कार खाई में गिरी, चालक की मौत। तो देहरादून से नई कार लेकर के उत्तरकाशी जा रहे चालक की सुआ खोली भवान नगुड़ मोटर मार्ग पर हादसे में मौत हो गई। कार अनियंत्रित होकर के लगभग 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई। कोटद्वार से खबर है, जंगल में फंसे जीवन की डोर, वन कानून बना रहा रोड़ा। तो नजियाबाद बुआखाल हाईवे पर कोटद्वार दुगड्डा के मध्य बरसाती रपटा लील रहा जिंदगी। पुलिया की रेलिंग टूटी, दुर्घटना का डर। तो नजियाबाद बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग कोटद्वार दुगड्डा के मध्य आम सौड़ के समीप पुलिया की टूटी रेलिंग दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है। इकोसिस्टम को खतरनाक खरपतवार कालाबासा में संक्रमण की खोज। तो जीवी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिकों को मिली सफलता। डोकत स्ट्रोमा पिनिस्टेन जीवाणु की हुई पहचान। भूकंप के झटके से डोली कपकोट की धरती। तो कपकोट में भूकंप के झटके महसूस किए गए, घरों से अधिकतर लोग बाहर निकल आए। हालांकि भूकंप से अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। वहीं खबर, अल्मोड़ा से सीजनल वायरल फीवर से हो रही सुअरों की मौत। वहीं खबर है, सोमेश्वर से भूस्खलन से सनियाकोट में 3 मकान क्षतिग्रस्त। तो तीनों प्रभावित परिवारों ने मकान किए खाली, स्वजनों के घरों में ली शरण। मानसूनी बारिश ने कपकोट में मचाई तबाही। तो पहाड़ से बारिश ने तबाही मचा दी है, खेत बह गए, लोगों के घरों में दरारें पड़ गई, गौशाला क्षतिग्रस्त होने से पशुपालक भी परेशान हैं। वहीं खबर यह, बागेश्वर से गोमती में बहे नेपाली मजदूर का शव मिला। तो गागरी गोला के लखनी सीमार पुल के समीप से बहे मजदूर की तलाश के लिए दिन भर तलाश जारी रही, SDRF की टीम को देर रात कामयाबी मिल गई। वहीं खबर, हल्द्वानी से आज भारी बारिश का रेड अलर्ट, 12वीं तक स्कूल बंद। तो नैनीताल जनपद में कहीं कहीं पर 204 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो सकती है। बरसात DM ने कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। तो मानसून मजबूत हो चला है, शुक्रवार को नैनीताल जिले के कई हिस्सों में वर्षा हुई। मौसम विभाग ने 9 जुलाई को जिले में अधिकांश जगहों पर अत्यधिक वर्षा की संभावना जताई है। हथियार सप्लाई के तार राजस्थान से जुड़े, तो SDF ने शुरू की व्हाट्सएप नंबरों की जांच। तवाघाट लिपुलेख मार्ग रहा बंद। तो बंगा पानी के 8 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। वही खबर, पिथौरागढ़ से 12 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पिथौरागढ़ से खबर है, 300 बालक बालिकाओं को मिलेगी खेल छात्रवृत्ति। उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बढ़ी। तो राज्य में अब इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बढ़ रही है।
पौड़ी और नैनीताल में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग अस्पताल में बनेगा क्रिटिकल ब्लॉक, तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत बोले जिला अस्पताल में आधुनिक मशीनों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर जल्द होंगे तैनात। वही खबर है नई टिहरी से, खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने पात्र लोगों को बांटे उज्ज्वला गैस कनेक्शन। पौड़ी से खबर आई है महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, तो पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। टिहरी में कार खाई में गिरने से देहरादून निवासी की मौत हो गई। उत्तरकाशी जिले में चार मोटर मार्ग बंद हो गए हैं, झील में फंसी गाय का किया सफल रेस्क्यू, तो कीर्तिनगर से खबर आई है। मानसून में तेजी से 10% रह गई होटलों की बुकिंग। अल्मोड़ा और नैनीताल में विकसित होंगे चाय के बागान। वही खबर है देहरादून से, घंटाघर के पास फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रेमनगर में 42 महिलाओं को दिए गए मुफ्त गैस कनेक्शन। कांवड़ मेले को पुख्ता प्रबंधन करें अफसर, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ मेले में बाकी राज्यों के अधिकारियों से भी समन्वय बनाने के निर्देश दिए। वही खबर यह है दोस्त के बर्थडे परीक्षा देने पहुंचा युवक धरा, तो डोईवाला कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक युवक को दोस्ती का फर्ज निभाना महंगा पड़ गया। फर्जी तरीके से अपने दोस्त की परीक्षा देने पहुंचा युवक चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, जिसके कब्जे से परीक्षा धारक का प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और फोटो भी बरामद हुआ है। अमरनाथ से चार दिन पहले ही लौटा है दून का जत्था, तो 250 लोगों का दल देहरादून से रवाना हुआ। वही खबर है ये बाजपुर से, बाजपुर में सड़क हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई। रामनगर में काल बन रहे बरसाती नाले, तो धनगढ़ी पनोड़ ठेला आदि जगहों पर वाहन बहने से कई लोग गंवा चुके हैं जान। रेड अलर्ट का प्रशासन सतर्क, आज बंद रहेंगे स्कूल, तो 24 घंटे में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर परीक्षाओं में 8,000 छात्राएं होंगे शामिल। वहीं खबर है हल्द्वानी से युवक को पीटने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर है नंदा नगर से मलवा और पत्थर आने से नंदा नगर भेटी सड़क बंद हो गई, यमुना का बहाव किया सुचारू, तो उत्तरकार से खबर आई है। पोखरी से खबर है गोदली में मकान ध्वस्त, भूस्खलन से स्कूल और गाँव को भी खतरा है। जोशीमठ नगर के संरक्षण के लिए गठित तो हो कमेटी, तो संघर्ष समिति ने भूस्खलन व भू धसाव से जोशीमठ को बताया खतरा, सीएम को भेजा ज्ञापन। अगस्त माह से सरकारी राशन वितरण बंद करने की चेतावनी, तो मानदेय इंटरनेट और दुकान का किराया देने की मांग की। वहीं खबर है हरिद्वार से कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के लिए कमेटियां गठित की गई हैं, तो श्रीनगर से खबर आई है। हरिद्वार से खबर है फिल्म निर्माता लीना मणि मेघलाई समेत 11 पर मुकदमा दर्ज किया गया है, तो फिल्म काली के विवादित पोस्टर का मामला। वहीं खबर है हरिद्वार से बिजली कटौती के विरोध में किया प्रदर्शन, तो शहर व्यापार मंडल ज्वालापुर ने दी आंदोलन की चेतावनी। गुरु पूर्णिमा पर 3 ग्रहों का बन रहा संयोग, तो अपने गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करने और उनकी पूजा करने के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। हिंदू संवत्सर 2079 के में आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि 13 जुलाई को पड़ रही है। तो पर्यटकों को बुला रही थी मौत, पहले पीछे हटे फिर दोबारा रपटे में डाल दी कार, तो रोकते रहे ग्रामीण व पर्यटक नहीं सुनी बात, ग्रामीणों की बात मान लेते तो शायद न होता हादसा। संदिग्ध गतिविधियां मिलने पर रिजॉर्ट सील, तो ढीला नदी के तेज बहाव में बहने से 9 लोगों की मौत होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। पर्यटक जिस रिजॉर्ट में रुके थे प्रशासनिक टीम ने उसे सील कर दिया, रिजॉर्ट की गतिविधियां की पुलिस पड़ताल कर रही है। प्रशासन की कार्रवाई से रिजॉर्ट संचालकों में खलबली मची है। नैनीताल से खबर है बारिश के दौरान पेड़ गिरने से 2 कारें क्षतिग्रस्त हो गई, युवक को पीटने के 4 आरोपी गिरफ्तार, कैंटीन संचालक फरार है। वहीं खबर है लाल कुआं से दुर्लभ रेड कोरल खुकरी सांप को रेस्क्यू किया। रामनगर की तेजाब पीड़िता ने एसटीएच में दम तोड़ा, तो अस्पताल में 12 दिन तक चला महिला का उपचार।
पिथौरागढ़ जिले में 10 ग्रामीण सड़कें बंद, लोग परेशान हैं। कोटी के ग्रामीण वसूलेंगे ग्रीन टैक्स। वही खबर है, 8 दिन बाद नेपाल में मिला बूम में डूबे व्यक्ति का शव। टनकपुर में भी खुली महिला समूह की दीदी की रसोई। बागेश्वर से खबर है, बारिश से बागेश्वर के 7 मकान क्षतिग्रस्त, पपोली में पुल भी ध्वस्त हो गया। बागेश्वर में बिजली कटौती से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया।